हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्मिता और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूं, कुंदरू और भिंडी की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। भिंडी और कुंदरू की सब्जी बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम कुंदरू लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो के काट लिया है, और 100 ग्राम मैंने भिंडी लिया है जिसे अच्छे से धो के मैंने काट लिया है। इसे बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज लिया है जिसे मैंने काट लिया है, और 2 मैंने हरी मिर्च ली है जिसे लंबे साइज़ में काट लिया है, और 6-7 कली मैंने लहसुन की ली है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। अब हम इसे बनाने के लिए गैस में कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। देखिए, हमने ऑयल डाल दिया है। हमने यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है कि हमें इसमें भिंडी को फ्राई करना है। भिंडी फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है। भिंडी जब फ्राई हो जाएगा तो हम आधा ऑयल निकाल लेंगे। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें भिंडी को फ्राई करेंगे। भिंडी को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करना है, तभी हमारा भिंडी अच्छे से फ्राई होगा। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे। और इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। देखिए, 5 मिनट में हमारा भिंडी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आपको भिंडी को एकदम ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। अब हम बचा हुआ जो भिंडी था उसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब हम इसको भी 5 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम पहले जो एक्स्ट्रा ऑयल लिए थे भिंडी को फ्राई करने के लिए, उसे हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा बचा के रखेंगे सब्जी बनाने के लिए। देखिए, हमने आधा ऑयल को निकाल लिया है। अब हम इसी ऑयल से कुंदरू को भी फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। अब हम डालेंगे इसमें लहसुन। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब सभी को 1 मिनट के लिए ढककर फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो चुका है और देखिए, प्याज हल्का सा फ्राई हो गया है।
हमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें कुंदरू को फ्राई करेंगे तो कुंदरू के साथ ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अगर हम इसे ज़्यादा देर तक फ्राई करेंगे तो ये कुंदरू के फ्राई करते तक प्याज जल जाएगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुंदरू जो हमने पहले काट के रखे थे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें कुंदरू को ढक के फ्राई नहीं करना है, बिना ढक के फ्राई करना है, तभी कुंदरू अच्छे से फ्राई होगा। देखिए कुंदरू 5 मिनट में हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के और फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर का कच्चापन दूर हो जाए। देखिए 2 मिनट हो चुका है और कुंदरू के अंदर का कच्चापन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी, इसको हमने पहले ही फ्राई कर लिया था तो इसे और फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करके ढक के और फ्राई कर लेंगे। देखिए 1 मिनट हो चुका है और कुंदरू और भिंडी अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जब भी सब्जी बनाते हैं तो सबसे पहले मसाले ऐड करना है आपको, उसके बाद ही आपको टमाटर ऐड करना है, तभी सब्जी में अच्छा टेस्ट आता है और सब्जी का कलर भी अच्छा आता है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अगर आपको टमाटर जल्दी पकाना है तो आप सब्जी को इस तरह से अलग कर दीजिए और बीज को खाली छोड़ दीजिए और बीच में आप टमाटर डालिए। और टमाटर को सब्जी से ढक दीजिए, ऐसे में टमाटर जल्दी पक जाएगा। अब हम इसको धीमी आंच में 5 मिनट के लिए ढक के और पकाएंगे और हमें बीच में इसे चलाना नहीं है, तभी टमाटर अच्छे से पकेगा। देखिए सब्जी को पकते पकते 5 मिनट हो चुका है और हमने इसे बीच में एक भी बार नहीं चलाया है। और देखिए टमाटर कितना अच्छे से पक गया है 5 मिनट में। अगर आप भी ऐसे ही ढक के पकाएंगे तो टमाटर अच्छे से पक जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के और पकाएंगे ताकि टमाटर पूरी तरह से पक जाए। 2 मिनट हो चुका है और देखिए सब्जी अच्छे से पक गया है और टमाटर भी पूरी तरह से पक गया है, एक भी टमाटर कच्चा नहीं है। देखिए अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरी धनिया के पत्ती इसमें डाल देंगे। देखिए हमारा सब्जी इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह से कुंदरू और भिंडी की सब्जी बना सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।